हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सितंबर 2019 का 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम 2020 में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा टारगेट हम लोग कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है अबाउट द अमेजॉन फॉरेस्ट, फिर सेकंड है बुडापेस्ट कन्वेंशन, थर्ड है ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम, चौथा है कोडावास, पांचवा है तुम्हारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, छठा है तुम्हारा फॉल आर्मी वॉर्म, फिर सातवां है स्वाधार, आठवां है तुम्हारा रिपेल ऑफ एट एंड सेव ऑफ एट शेड्यूल है, ठीक है। नाइन है तुम्हारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, टेन है मुकुर्ति नेशनल पार्क, इलेवेंथ है तुम्हारा इंडिजन प्रोजेक्ट, ट्वेल्थ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, थर्टीन है पिलिंडबा ट्रीटी, फोर्टीन है तुम्हारा मूवमेंट फॉर चेंज, फिफ्टीन है ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपटिटिवनेस रिपोर्ट, सिक्सटीन है निर्विक स्कीम, सेवेंटीन है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC, एटीन है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, नाइनटीन है पार्कर सोलर प्रोब, ट्वेंटी है नीति आयोग, ट्वेंटी वन है ट्री फॉरेस्ट कवर, ट्वेंटी टू है कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, 23 है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, 24 है वांगचो एंड गालो ट्राइब्स, 25 है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, 26 है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, 27 है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, 28 है संडोल डांस, 29 है ग्लोबल फंड फॉर एड्स ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया GFTAM, 30 है चंगाई नेवल बेस, चांगी नेवल फोर्स CHANGI चांगी नेवल फोर्स, 31 है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 32 है गोल्डस्मिथाइड, 33 है ई संचित प्रोजेक्ट, 34 है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, 35 है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 36 है महानदी रिवर, 37 है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, 38 है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, 39 है प्रोजेक्ट चमन, 40 है मिलिटियन ग्रुप विथ कंट्रीज, 41 है भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, 42 है एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक, 43 है अकेडेमिक लोमोनोसोव, 44 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 45 है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, 46 है कुरुम्बा पेंटिंग, 47 है पावर जनरेशन इन इंडिया, 48 है TREDS, 49 है एशियन वे, 50 है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। चले पहला आर्टिकल देखते हैं, पहले आर्टिकल देखेंगे फिर क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है रिलेटेड टू अमेजॉन रेनफॉरेस्ट, अमेजॉन रेनफॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट कंटिन्यूस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और अमेजॉन रिवर यहाँ से फ्लो करता है जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द नाइल रिवर, ठीक है। ये मीएंडर करता है थ्रू द डेंस फॉलेज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, वो पूरा मतलब अमेजॉन रेनफॉरेस्ट से मीएंडर करते हुए निकलता है और अटलांटिक ओशियन में चला जाता है। होम ऑफ 10% ऑफ
10% ऑफ ऑल प्लांट और एनिमल स्पीसीज यहाँ पर अर्थ पर जितना भी है वो यहाँ पर पाया जाता है। फिर हेल्प करता है टू कंट्रोल द प्लैनेट का कार्बन का लेवल है उसको मतलब कि मेंटेन करने में हेल्प करता है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द कार्बन को वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये अब्जॉर्ब करता है ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं क्योंकि ये अकेले 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन को ये करता है मतलब कि छोड़ता है। फिर कोविड कवर 2.6 मिलियन स्क्वायर माइल को है और 9 कंट्रीज़ में है। बस कौन कौन कंट्री में नहीं है याद रखना, साउथ अमेरिका का जितना भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कितना भी कंट्री सारा को कवर करता है लेकिन बस 2 कंट्री को नहीं करता, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है, बाकी सारा। तो 9 कंट्री कौन कौन है, ब्राज़ील है, पेरू है, कोलंबिया है, बोलीविया है, इक्वेडोर है, वेनेजुएला है, गयाना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गयाना है, ये सबको, ठीक है, इक्वेडोर भी है, ठीक है। तो ये सारा कंट्री को कवर करता है, ठीक है। तो ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा किस में है, तो पेरू में है अमेजोन का रेन फॉरेस्ट। फिर थ्रेट अमेजोन का रेन फॉरेस्ट को क्या क्या खास है, इलीगल लॉगिंग करता है, पेड़ को काटता है लॉग के लिए। फिर सोया प्लांटेशन के कारण वो सब फॉरेस्ट को काट रहा है, शुगर प्लांटेशन के कारण सब फॉरेस्ट को काट रहा है, वहाँ पर अपना कमर्शियल प्लांटेशन कर रहा है, ठीक है। फिर कैटल रेंचिंग ऐसे हो सकता है, फॉरेस्ट फायर आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है, लोग सब फॉरेस्ट फायर कर देते हैं और पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। तो अभी इस साल बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर अमेजोन फॉरेस्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये उसका डिटेल था, ठीक है। अब ये देख लो अमेजोन कौन कौन सा कंट्री में फैला हुआ है, ये देखो ब्राज़ील में है, फ्रेंच गयाना में, सोरेनेम में है, गयाना में है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, बोलीविया, याद रखना पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली में नहीं है, ठीक है। और ब्राज़ील अमेजोन रेन फॉरेस्ट का 64% ब्राज़ील में है, ठीक है। उसके बाद 10% पेरू में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अमेजोन फॉरेस्ट। पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका। हाँ बिल्कुल सही है, पूरा साउथ अफ्रीका में फैला हुआ, लेकिन ऑल द कंट्रीज नहीं, चिली, पैराग्वे और अर्जेंटीना को छोड़ के। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ब्राज़ील कंटेन द मेजर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला तो सही है। तो पहला वाला यानी कि ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द बुदापेस्ट कन्वेंशन। तो बुदापेस्ट कन्वेंशन, बुदापेस्ट कहाँ का कैपिटल है, तो हंगरी, ये हाँ हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट, ठीक है, हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट। तो क्या हुआ कि कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम इन ऑफ 2001 में साइबर क्राइम का कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, मतलब मीटिंग, कन्वेंशन मतलब जमघट, इकट्ठा होना, कन्वेंशन होना, जमघट लगा था, ठीक है, काहे के लिए, तो बुदापेस्ट में हुआ था, तो काहे के लिए, तो साइबर क्राइम के लिए 2001 में। तो ये लेकिन ये जो कन्वेंशन हुआ था बुदापेस्ट में, ये एक नॉट यूएन का कन्वेंशन नहीं है, काउंसिल ऑफ यूरोप का है, ठीक है, कन्वेंशन, ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन साइबर क्राइम, ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन साइबर क्राइम। ये बुदापेस्ट कन्वेंशन है, ये एकमात्र कन्वेंशन है, बाइंडिंग कन्वेंशन है ऑन साइबर क्राइम के लिए, ये एकमात्र बाइंडिंग कन्वेंशन है। अगर साइबर क्राइम हुआ और बुदापेस्ट का आप सिग्नेटरी है, तो आपको ये बाइंडिंग जो भी इसमें लॉ होगा वो आपको मतलब कि मानना पड़ेगा, ठीक है, उसका क्राइम से रिलेटेड। फिर सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर एनी कंट्री दैट इज डेवलपिंग कन्वेंशन, डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल
लेजिस्लेशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, ठीक है, अगर जो भी सिग्नेटरी होगा उसको साइबर क्राइम पे अगेंस्ट लॉ बनाना पड़ेगा। फिर सप्लीमेंटेड बाय द प्रोटोकॉल और जिनोफोबिया एंड रेसिज्म कमिटेड थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा डील करता है जो भी मान लो कि भड़काऊ भाषण या भड़काऊ कंटेंट या रेसिज्म कंटेंट, ये सब इसके तहत में आता है। सो डील्स विथ कैचिगा जैसे डील्स करता है तो इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ है तो उस पर डील करता है। कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, कंप्यूटर रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया, पिन कोड इन कोड, फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया, फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हुआ या वायलेंस ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी ऑल्सो। ये याद रखना कि इंडिया इसमें ना तो रेक्टिफाई किया है ना सिग्नेटरी है, सिग्नेटरी भी नहीं है, रेक्टिफाई तो दूर की बात है, रेक्टिफाई भी नहीं किया है किसको, बुदापेस्ट कन्वेंशन को। कहाँ हुआ था, तो बुदापेस्ट में हुआ था, 2001 में हुआ था, साइबर क्राइम से रिलेटेड है बुदापेस्ट, ठीक है। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि द कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इन 2001 ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप का, यूएन का कन्वेंशन नहीं, ये याद रखना, बुदापेस्ट कन्वेंशन काउंसिल ऑफ यूरोप का है, ये यूएन का कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। इज द ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्टेंट ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन साइबर क्राइम, दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज अ बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है, सी ऑप्शन। चलो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अबाउट द ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम क्या होता है कि ये रसिया में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फोरम वाज एस्टेब्लिश बाय द रशियन प्रेसिडेंट इन 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, रसिया का ईस्ट फार ईस्टर्न साइड है उसको डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रशियन फार ईस्ट साइड, ठीक है, टू एक्सपैंड द मतलब एक्सपैंड करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करना है इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में, क्योंकि फार ईस्ट साइड पैसिफिक ओशियन को टच करता है रशिया का। तो इसमें क्या है कि बिजनेस डायलॉग विथ लीडिंग पार्टनर कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इसमें इंडिया इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इन दिस रीजन, प्रोमिनेंट इन्वेस्टर इसमें कौन कौन है, चाइना है, जापान है, ये सब प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है। इंडिया तो इन्वाइट हुआ था लेकिन उतना प्रोमिनेंट इन्वेस्टर नहीं है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में। फिर उसमें बोल रहा है कि फिर इससे क्वेश्चन एक देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ इनिशिएटिव अंडर द इंडियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इंडियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं है, रसिया का है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इट एम टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, विथ अ कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन, बिल्कुल सही है, by providing an enhanced connectivity to the state of India northeastern region with other countries, nahi northeastern asia india ka related nahi hai active sports eastern economic forum nahi hai, theek hai, theek hai, to ye dono galat ho gaya statement, theek hai। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों गलत है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो कोडवाज है, ठीक है। तो कोडवाज जो है ये एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कोडगू और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कोडगू और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का ये सब कोडवाज कम्युनिटीज है, नोन फॉर कॉफी सेरिन लोकेशंस एंड ब्रेव वॉरियर, ठीक है, कॉफी और ब्रेव वॉरियर के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। सिचुएटेड इन ऑन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ये सिचुएटेड है, बर्थ प्लेस ऑफ रिवर कावेरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ताल कावेरी, यहीं से ताल कावेरी ओरिजिनेट करते हैं, ताल कावेरी से कावेरी रिवर। लैंग्वेज कोडवा ताक यहाँ का लैंग्वेज होता है, डज नॉट
have a script, script नहीं है इसका, do not, does not have the script, script नहीं है. फिर मार्शल ट्रेडिशन है एंड हंटिंग. ग्रेट पर्सनैलिटीज फील्ड मार्शल करियप्पा एंड जनरल जनरल तिमैया यहाँ से मतलब निकले हैं. ट्रेडिशनल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और मिलिट्री नेचर ऑफ द पीपल. ठीक है. किलपोल्ड और द फेस्टिवल ऑफ आर्म. किलपोल्ड और फेस्टिवल ऑफ आर्म. ऑल द आर्म्स आर रिमूव्ड पॉलिश्ड एंड वर्शिप किया जाता है किलपोल्ड में फेस्टिवल में. एग्जाम्पशन अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एग्जाम्पशन ऑफ ऑब्टेनिंग आर्म्स लाइसेंस सिंस द ब्रिटिश एरा. मतलब ब्रिटिश काल से ही इन लोग को आर्म लाइसेंस के लिए एग्जाम्पशन किया हुआ. मतलब इन लोग आर्म रख सकता बिना लाइसेंस के. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द एग्जाम्पशन अंडर द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959. और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आर्म्स एक्ट 1959 के तहत इन लोग को एग्जाम्पशन दिया हुआ. एग्जाम्पशन ये 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और 2029 तक कर दिया गया है. ठीक है. अब उसके बाद क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू द कोडवा कम्युनिटी कम्युनिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो पहला स्टेटमेंट है कि दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नीलगिरी तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का नहीं है, नीलगिरी का नहीं है, ये कर्नाटक का कोडगु डिस्ट्रिक्ट का, कोडगु या कुर्ग डिस्ट्रिक्ट. सेकेंड है कि दे हैव मार्शल ट्रेडिशन एंड दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द आर्म लाइसेंस. बिल्कुल सही है. थर्ड है कि केलपोल्ड और केलपोल्ड फेस्टिवल इज देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल दैट ऑल द आर्म्स आर पॉलिश्ड एंड वर्शिप्ड. बिल्कुल सही है. टू एंड थर्ड सही है. क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, यानी कि टू और थर्ड बी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये आर्टिकल रिलेटेड टू लॉ कमीशन. लॉ कमीशन जो है वो एक तरह का नॉन परमानेंट है, नॉन स्टैट्यूटरी है. ये ना तो परमानेंट है ना तो स्टैट्यूटरी है. तो आज ये है कि मतलब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस एवरी टाइम, मतलब ये टर्म्स एंड रेफरेंस चेंजेस मतलब कभी भी चेंज कर दिया जाता है. लेकिन ये जो मतलब स्थापित किया जाता है टेन्योर इसका होता है 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का. ठीक है. और इसमें लॉ कमीशन जो मतलब कि एग्जिस्टेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से पहले भी मतलब कि लॉ कमीशन मतलब एग्जिस्ट में था. ठीक है. तो पहला जो लॉ कमीशन जो बना था 1834 में बना था, किसके मतलब कि ये कौन सा चार्टर एक्ट के तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मैकेले. लॉर्ड मैकेले के अंतर्गत में ये लॉ कमीशन बना था. कब बना था, 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है. फिर फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब बना था, तो एस्टैब्लिश इन 1955 को एस्टैब्लिश हुआ था 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एम सी सेटलवाद. ठीक है. एम सी सेटलवाद के अंतर्गत में मतलब कि अंदर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद मतलब के अंदर बना था ये क्या लॉ कमीशन 1955 में. सर रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्योंकि 22वां लॉ कमीशन बना है. ठीक है. फॉर द कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और ये इसी साल बना है. लेकिन जो लास्ट जो हुआ था एक्सपायर हो गया था लॉ कमीशन का टेन्योर 2018 में ही, लेकिन नहीं बना था, अभी इस साल बन गया. ठीक है. तो पहला इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. पहला जो स्टेटमेंट है कि द इट इज नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो नॉन परमानेंट है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज री कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंट. तो 5 ईयर्स के लिए नहीं होता है, ये 3 ईयर्स के लिए होता है. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड है स्टेटमेंट, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया कि फॉल
थर्ड स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट लॉ कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मैकेले. हाँ ये बिल्कुल सही है. 1834 में लॉर्ड मैकेले के अंतर्गत में ये कमीशन बना था अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1876. सॉरी. ठीक है तो ओनली क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो सही आंसर है बस ओनली 3 यानी कि डी ऑप्शन. चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द फॉल आर्मी वॉर्म FAW. तो फॉल आर्मी वॉर्म जो है वो साइंटिफिक नेम है इसका, बहुत टेरा नाम है देख लेते हैं. स्पोडोटेरा फ्रुगिपेरा, स्ट्रोपोफेरा एंड फ्रुगिपेरा. ठीक है ये साइंटिफिक नेम है. ठीक है फिर इसका क्या है कि ये मतलब कि ये नेटिव है तुम्हारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका का ये नेटिव है. ठीक है फॉल्स आर्मी वॉर्म. तो लावा स्टेज में कॉज मोर डैमेज, लार्वा जो स्टेज में मोर डैमेज कॉज करता है. ठीक है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है डेंजरस ट्रांसपोन्ट्री इंसेक्ट है और पॉलीपेगोस है. मतलब पॉलीपेगोस मतलब कि बहुत तरह का मतलब कि पत्ता खा सकता है इसके ये मतलब इसीलिए ये डेंजरस है, बहुत सारे फसल को ये नुकसान कर देता है. ठीक है तो ये मतलब कि इन इंडिया द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कर्नाटका में पहला बार इसको आइडेंटिफाई किया गया ऑन मेज एंड रागी एंड सोरगम ये सब प्लांट पर खाते हुए. फिर ट्रीट टू द फूड सिक्योरिटी, थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी का ये थ्रेट है. फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट 1985 में एंड इको फ्रेंडली अप्रोच आर केप्ट पेस्ट पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. क्या है ये फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप होता है कि फेरोमोन होता है कि एक तरह का इंसेक्ट इससे कम्युनिकेट करता है, तो इंसेक्ट को कम्युनिकेट करता है तो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं ताकि ये उसमें फंस जाए. ठीक है ठीक है. फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं फॉल्स आर्मी वॉर्म जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉल्स आर्मी वॉर्म ऑफन सीन इन द न्यूज. तो इस क्या है क्यों न्यूज में था. तो पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है कि अ रिसेंटली डिस्कवर आर्थ्रोपोड्स इन वेस्टर्न घाट नहीं पॉलीपेगोस पेस्ट द कॉज डैमेज टू द मेज प्लांटेशन इन इंडिया. प्लांटेशन को तो लेकिन मेज ही नहीं बाकी सबको भी करता है. स्पाईवेयर दैट एक्सप्लॉइट द वर्नेबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप. तो पेगासस है वो जो स्पाईवेयर है पेगासस. फिर उसके बाद डी है कि इट इज अ पैरास्टॉइड यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट. तो ये भी नहीं इंसेक्ट पेस्ट नहीं होगा ये हो जाएगा बी. इट इज अ पैरो इट इज अ पॉलीपेगोस पेस्ट दैट कॉज द डैमेज टू द मेज प्लांटेशन. क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेज का प्लांटेशन जो मिजोरम में अफेक्ट किया था अराउंड 2/3 ऑफ द क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था. ये नेटिव है कहाँ का सेंट्रल और सब ट्रॉपिकल अमेरिका का. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द स्कीम. ठीक है डिफरेंट स्कीम है. ठीक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देख लेते हैं पहला स्कीम क्या क्या है. तो स्वाधर स्कीम क्या है, गृह स्कीम और उज्ज्वला ये उज्ज्वला नहीं है उज्ज्वला है उज्ज्वला. ठीक है फिर उसके महिला ई हार्ट फिर सखी. ठीक है स्वधर घेर घेर क्या है कि स्वधर घेर SWADHER स्वधर घेर एक तरह का क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर द वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस के लिए है. ठीक है वुमेन के लिए है स्वधर गृह.
गृह, स्वधर गृह। तो ये वुमेन के लिए है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में रहती हैं, ठीक है। प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फिर क्लोथ एंड हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द फॉर द वुमेन विक्टिम, ठीक है। विक्टिम कैसे का होगा, तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या करे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करेगा फॉर द रिहैबिलिटेशन टू लेड लाइफ विथ डिग्निटी के द्वारा लाइफ जीने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है कि सर्वाइवर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का सर्वाइवर या प्रिजनर है, रिलीज फ्रॉम द जेल, विक्टिम फ्रॉम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम एंड रेस्क्यूड ट्रैफिक्ड वुमेन गर्ल्स के लिए ये एलिजिबल है। स्वधार सुधार SWADHR सुधार गृह। अब इसको फंड कौन करेगा, तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। एक उज्ज्वला, उज्ज्वला है तुम्हारा टू प्रिवेंट प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड फॉर द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम कंपोनेंट, प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन एंड रेपेट्रेशन। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर है, ये भी महिला के लिए है। महिला ई हाट, महिला ई हाट एक डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तुम्हारा ये महिला ई हाट, ठीक है। इसमें इंडियन वुमेन सिटीजन, वुमेन लेड एंटरप्राइज, ये सब सारा एलिजिबल है। फिर शक्ति, शक्ति भी एक तरह का वुमेन के लिए है। ये एस्टेब्लिश्ड ऑफ वन स्टॉप सेंटर टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, वायलेंस से अफेक्टेड वुमेन के लिए ये वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है। टू फैसिलिटेट द इमीडिएट मेडिकल, टू फैसिलिटेट करता है इमीडिएट मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट देता है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, स्वधार गृह क्या है कि सपोर्टिंग वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस, बिल्कुल सही है। उज्ज्वला, उज्ज्वला प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद महिला ई हार्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है। शक्ति सखी, ऐसे के एच आई सखी, सखी टू सपोर्ट द वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, बिल्कुल सही है। यानी कि और क्या बोल रहा है, करेक्टली मैच, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द, रिलेटेड टू द रिपेल ऑफ एट एंड सेव द एट शेड्यूल, ठीक है। तो एट अमेंडमेंट ऑफ द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड का लाइफ, राइट टू लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। प्रोहिबिट एबोर्शन इन मोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल केस, ऑल केस को मतलब कि प्रोहिबिट करता है एबोर्शन के लिए। लेटर अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज टू हैव एन एबोर्शन। तो इसे कारण जो था कि आयरलैंड के मतलब महिलाएं अदर कंट्री में, मेनली यूके में जाके अपना एबोर्शन करवाती थी। द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2013। तो ये रिपेल एंड ऑफ एट एंड सेव ऑफ द एट अमेंडमेंट का ये मतलब कि ये हुआ कैंपेन हुआ, और इसमें तुम्हारा एंटी एबोर्शन कैंपेन टू सेव द एट अमेंडमेंट इन मई 2018 एट अमेंडमेंट वाज रिपेल्ड फॉलोड द रेफरेंडम, रेफरेंडम हुआ उसमें मतलब कि इसको सपोर्ट किया गया लाइक और सपोर्ट किया कि एट अमेंडमेंट को रिपेल कर दिया जाए,
तो इसके कारण ये 8 अमेंडमेंट को रिपेल कर दिया गया। अब क्या है कि अब वो मतलब आयरलैंड में अबोर्शन हो सकता है। ठीक, नाउ द आयरिश वुमेन एबल टू एक्सेस द टर्मिनेशन विद इन द फर्स्ट 12 वीक। ठीक है, अब फर्स्ट 12 वीक में अपना एबोर्शन करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। अब ये कौन पब्लिश करता है? तो इंडेक्स है, एजुकेशन का इंडेक्स है, तो नीति आयोग ही इसको पब्लिश करेगा। तो इसका एम क्या होता है? तो एम टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द इंडिया स्कूल एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, अब ये मतलब कि स्कूल एजुकेशन सेक्टर का मतलब परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है। ठीक है, इसको पब्लिश करता है नीति आयोग कोलैबोरेशन एफर्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD का इसमें मतलब एफर्ट होता है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ HRD एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द सेक्टर एक्सपर्ट के द्वारा। इसमें दो कैटेगरी रहता है टोटल, फर्स्ट आउटकम होता है और दूसरा होता है गवर्नेंस प्रोसेस एडेड आउटकम। तो आउटकम में क्या डोमेन होता है कि लर्निंग आउटकम होता है, एक्सेस आउटकम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आउटकम होता है और इक्विटी आउटकम होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रोसेस एडेड आउटकम में क्या क्या होता है कि कवरिंग द स्टूडेंट एंड टीचर अटेंडेंस, टीचर एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडुकेसी, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI। पहला स्टेटमेंट है कि इट वॉज प्रिपेयर्ड कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन रिसोर्स HRD के द्वारा नहीं कि ये इसको पब्लिश और रिलीज किया जाता है, इसको रिलीज करता है नीति आयोग विद कोलैबोरेशन एफर्ट विद HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज टू कैटेगरी, नेमली आउटकम एंड गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम। हाँ, ये सही है, दो कैटेगरी रहता है, एक आउटकम और एक गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम। थर्ड है कि केरला हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नहीं, केरला पहला रैंकिंग पर नहीं है, केरला रैंकिंग है पर पहला रैंकिंग पर इन द बिग स्टेट ग्रुप में, यूनियन टेरिटरी में नहीं है। यूनियन टेरिटरी में सबसे पहला रैंक है चंडीगढ़ का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो पूछ रहा क्या कि विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो ओनली टू इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्रुप क्या है कि लार्ज स्टेट में 20 स्टेट है। ठीक है, स्मॉल स्टेट में 8 है, जिसमें मेनली तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। फिर यूनियन टेरिटरीज में तुम्हारा क्या है, यूनियन टेरिटरी में 7 है। ठीक है, इसमें लार्ज स्टेट में सबसे पहला रैंक है केरला का, स्मॉल स्टेट में मणिपुर का और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का सबसे पहला रैंक है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द मुकुर्ति नेशनल पार्क। तो मुकुर्ति नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मुकुर्ति नेशनल पार्क। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि
ये देखो, ये मुकुर्ती नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका पार्ट है मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में। ठीक है, अब नीलगिरी थार जो है, नीलगिरी थार एक तरह का हिरन टाइप का दिखता है। ठीक है, तो नीलगिरी थार जो कि एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, ये तुम्हारा एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है। अब स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है ये नीलगिरी थार, एक स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु भी है। कैन बी सीन इन स्टीप रॉकी क्लिफ पर इसको देखा जा सकता है। हिमालयन थार भी है जो कि फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू सिक्किम तक, ये मतलब कि फैला हुआ है हिमालयन थार। अब नीलगिरी थार और हिमालयन थार दोनों को शेड्यूल वन में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और IUCN रेड लिस्ट में नीलगिरी थार इंडेंजर्ड है और हिमालयन थार नियर थ्रेटन्ड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मुकुर्ती नेशनल पार्क, इट इज अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। इट रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन नीलगिरी थार पॉपुलेशन इन 2019। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें मतलब कि इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द इंडियन जीन प्रोजेक्ट। तो इंडियन जीन प्रोजेक्ट क्या है कि एम करेगा कि होल जीनोम सीक्वेंसी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि 1000 इंडिविजुअल का जीन का सीक्वेंसिंग करेगा फॉर डाइवर्स एथनिक ग्रुप इन इंडिया एंड टू क्रिएट अ पायलट डेटा सेट, और डेटा सेट तैयार करेगा टू इनेबल जेनेटिक इपिडिमोलॉजी। अब ये क्या है कि इनिशिएटिव है किसका, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये इनिशिएटिव है। किसका, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो इम्प्लीमेंटेड बाय द CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली, एंड CSIR, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। ये दोनों इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करेगा। बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट हो जाएगा कि फॉर प्रायोरिटाइजिंग द फर्मा को जीनोमिक्स वेरिएंट्स स्पीसीज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। फिर उसके बाद एपिडेमियोलॉजी ऑफ जेनेटिक डिजीज टू इनेबल द कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्ट एंड कैरी स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस फॉर एक्सपेक्टेंट कपल। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन जीन प्रोजेक्ट। इंडियन जीन प्रोजेक्ट के लिए पहला स्टेटमेंट है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB एंड CSIR सेंट्रल ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी CCMB। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि इट हैज कंडक्टेड होल जीनोम सीक्वेंसी ऑफ ओवर 1000 इंडियंस फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही है। इट एम टू जनरेट डेटा ऑन जेनेटिक डिजीज। हाँ बिल्कुल सही है, जेनेटिक डिजीज के बारे में भी डेटा हो जाएगा इसके पास। तो बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि तीनों करेक्ट है, डी।
फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये एक तरह का टैक्स एवेडिंग, एवेडिंग मतलब होता है कि मतलब बचना। इट इज अ टैक्स एवेडिंग प्रैक्टिस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज शिफ्टिंग देयर इनकम और प्रॉफिट टू देयर सब्सिडरीज लोकेटेड इन लो टैक्स कंट्रीज। अब क्या होता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है कि जहाँ पर जो कंट्री में लो टैक्स है कॉरपोरेट पर, वहाँ पर जाके अपना सेटअप कर लेता है फैसिलिटीज और वहाँ से अपना रन करता है ताकि उसको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो इरोजन ऑफ टैक्स बेस एंड शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट टू अदर कंट्रीज। अब क्या होता है कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड कंट्रीज लॉस 100 to 240 billion अ ईयर, दैट इज 4 to 10% ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू, इससे लॉस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है कि अंडरमाइनिंग द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, अंडरमाइनिंग द वॉलेंटरी कम, जिसके कारण से टैक्स का चोरी हो जाता है। अब ये अफेक्ट करता है बोथ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, दोनों को अफेक्ट करता है इससे। तो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का क्या है कि इनिशिएटेड बाय OECD एंड G20 ग्रुपिंग। अब G20 ग्रुपिंग के द्वारा ये इनिशिएट किया गया। ठीक है, क्या है कि अ मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स फ्रेमवर्क टू इंश्योर प्रॉफिट एंड टैक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वैल्यू क्रिएशन ऑकर्स। अब इसमें 135+ कंट्रीज हैं, आर इम्प्लीमेंटिंग 15 एक्शंस टू टैकल द टैक्स अवॉइडेंस एंड इम्प्रूव द कोहेरेंसिव ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्योंकि इंडिया भी सफर कर रहा है इससे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो पहला स्टेटमेंट है क्या कि इट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर द कंपनी शिफ्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू द हायर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। नहीं, उल्टा कर दो, हायर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में मतलब कि शिफ्ट करता है, यानी कि वन वाला गलत हो गया। सेकेंड है कि इट इज़ लिमिटेड ओनली इन अ डेवलपिंग कंट्री। नहीं, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया भी अफेक्टेड है, अमेरिका भी अफेक्टेड है। तो इनकरेक्ट कुछ है, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है, यानी कि बोथ 1 and 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन है 2016 में UPSC में पूछा गया था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से ही। समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्या है कि कर्बिंग ऑफ द टैक्स एवेशन बाई मल्टी नेशनल कंपनी। एवेशन मतलब कि इनकार, मतलब कि बचना। एवेशन मतलब बचना, एविकेट करो, बचो, मतलब भागो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन NWFZ। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन क्या होता है कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है इंटेंडेड टू प्रोवाइड द लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू प्रोहिबिट द यूज पोजेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन इन अ ज्योग्राफिकल डिफाइंड जोन। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह का जोन होता है जहाँ पर ना न्यूक्लियर को वेपन को बनाना है, ना रखना है, ना यूज करना है। ठीक है, मतलब कि ये न्यूक्लियर वेपन से ही रिलेटेड है। आप यहाँ पर न्यूक्लियर से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर का एनर्जी में यूज कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ कहाँ न्यूक्लियर मतलब कि जोन है, फ्री जोन है। जैसे कि यहाँ पर मेक्सिको में एक ट्रीटी ऑफ टेल्टीलोल्को, ठीक है, मेक्सिको में ट्रीटी ऑफ टलाटी लो
लोल को साइन हुआ था, ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि लैटिन अमेरिकन में कोई भी कंट्री में ना न्यूक्लियर वेपन यूज होगा ना बनाया जाएगा। अब अफ्रीका में एक ट्रीटी ऑफ पेलिनडेबा साइन हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में है पेलिनडेबा, यहाँ पर भी न्यूक्लियर बम को नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। और एक सेंट्रल एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी साइन हुआ था सेंट्रल अमेरिका में, एक मंगोलिया में भी साइन हुआ था फॉर न्यूक्लियर फ्री स्टेटस, एक ट्रीटी ऑफ बैंकॉक में साइन हुआ था, मतलब थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पर भी मतलब कि यूज ऑफ न्यूक्लियर बम या बनाना दोनों प्रोहिबिट है। फिर एक ट्रीटी ऑफ रारो टोंगा एक कंट्री है, ठीक है, पैसिफिक में, वहाँ पर भी बैंड है। ठीक है, यहाँ पर सब। और एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, यहाँ पर भी तुम्हारा मतलब कि स्पेस को न्यूक्लियर वेपन फ्री कर रखना है, और सी बेड ट्रीटी जिसमें भी सी बेड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री रखना है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन NWFZ, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, रारो टोंगा ट्रीटी साउथ पैसिफिक। हाँ, टोंगा एक कंट्री है पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में, बिल्कुल सही है। बैंकॉक ट्रीटी सेंट्रल एशिया, बैंकॉक सेंट्रल में एशियन कंट्री में साउथ ईस्ट में, तो ये टू तो गलत हो गया, तो टू गलत हो गया तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते, बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते, यानी कि आंसर आ गया सी। अब नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो भी देख लेते हैं, पेलिनडेबा। पेलिनडेबा एक शहर है साउथ अफ्रीका में, पेलिनडेबा, ठीक है, पर्थ के आसपास है, पर्थ हाँ साउथ अफ्रीका में ही है पेलिनडेबा, अफ्रीका का ये ट्रीटी है, बिल्कुल सही है। और टेल्टीलोलको ट्रीटी, ये एक लैटिन अमेरिका, ये मेक्सिको में एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पर भी ट्रीटी हुआ था, ये भी सही है। अब नेक्स्ट है जो फिफ्थ है तुम्हारा, तुम्हारा सेमी पलाथीन ट्रीटी, ये गलत है, ये ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है। ये सेमी पलेटेंस्की जो ट्रीटी है ये सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका का ट्रीटी है, सेमी प्लेंथेटिक ट्रीटी। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द मोमेंटम फॉर चेंज, तो ये क्या है कि इनिशिएटिव है ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट का ये मतलब कि इनिशिएटिव है मोमेंटम फॉर चेंज। किसका इनिशिएटिव है, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या बोल रहा है कि पॉपुलराइज करना है क्या, हाईली रेजिलिएंट एंड लो कार्बन एक्टिविटीज, हाईली रेजिलिएंट एंड लो कार्बन एक्टिविटीज़ को पॉपुलराइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है क्या, लाइट हाउस एक्टिविटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन दैट एड्रेस बोथ क्लाइमेट चेंज एंड वाइडर इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। प्रैक्टिस करना है क्या कि प्रैक्टिस एन स्केलेबल एंड रिप्लिकेबल एग्जांपल्स ऑफ टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है, जिसमें क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है जिसमें इनकरेज करता है एवरीवन इन द सोसाइटीज टू टेक एक्शन टू हेल्प अचीव अ क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी। फिर सेकंड है क्या कि
मार्केज पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, इसमें क्या बोल रहा है कि सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट सिटीज ETC. फिर नाउ स्टेट एक्टर्स जोन्स फॉर क्लाइमेट एक्शन. नॉन स्टेट एक्टर्स जोन फॉर क्लाइमेट एक्शन क्या है कि पोर्टल है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एक्शन अराउंड द ग्लोब. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव. तो मोमेंटम ऑफ चेंज इनिशिएटिव है, पहला स्टेटमेंट है कि इट रिकॉग्नाइज इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन दैट एड्रेस बोथ क्लाइमेट चेंज एंड वाइडर इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. बिल्कुल सही है, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन का ये इनिशिएटिव है. बिल दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है, तो बोथ वन एंड टू सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019. तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ट्रैवल करेगा, टूरिज्म करेगा, तो इकोनॉमी का फायदा होगा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा. ठीक है, उसके बाद हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा. तो इसमें क्या होता है कि ये रैंक करता है कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स. इंडिया का रैंक इसमें 34 है, रैंक है इसमें. ठीक है, शोड अ ग्रेट परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट टू इट्स ओवरऑल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स में. बिकम द ओनली लो मिडिल इनकम कंट्री इन द टॉप 35 रैंक्स. ठीक है, इंडिया हैड द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट अमंग द टॉप 25% ऑफ ऑल कंट्रीज रैंक्ड इन द रिपोर्ट. अब कॉम्बिनेशन ऑफ रिच नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्स एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस. इसमें क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ओवरऑल ट्रैवल टूरिज्म में, पॉलिसीज में. ठीक है, और अदर रिपोर्ट पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या पब्लिश करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी मतलब कि पब्लिश करता है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी, मतलब कंपटीशन तो इकोनॉमिक कंपटीशन तो होगा ही. और ऑफिस में जनरली ये याद रखना कि ऑफिस में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफिस में होता है. ठीक है, ऑफिस में जनरली मेल एम्प्लॉय ज़्यादा रहता है, फीमेल कम रहता है, तो जेंडर गैप इंडेक्स भी इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा. ऐसे ही करके याद कर लो. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला जो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द ओनली लो मिडिल इनकम कंट्री इन द टॉप 35 रैंक. बिल्कुल सही है, टॉप 35 में इंडिया ओनली मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम कंट्रीज है. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड नहीं करता है इसको, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है. यानी कि क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो आंसर वन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, अब ये कुछ इंडेसेस है रिलेटेड टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. ठीक है, ये लेना. नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू निर्विक स्कीम. तो निर्विक स्कीम होता क्या है, निर्विक स्कीम, निर्विक से याद रखना कि निर्यात ऋण विकास योजना. इसका मतलब होता है निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, ऋण मतलब होता है क्रेडिट, विकास मतलब होता है इंश्योरेंस, और योजना मतलब होता है स्कीम. तो निर्विक हो गया तुम्हारा निर्यात ऋण विकास योजना. ठीक है, तो निर्विक एक तरह का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल थ्रू द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू, ये अंतर्गत में निर्विक स्कीम. ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल
ठीक है, थ्रू द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब इसका पर्पस क्या है कि फैसिलेट करना हायर क्रेडिट डिसबर्समेंट, मतलब कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, फिर हायर इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, और स्मॉल एक्सपोर्टर को मतलब कि कम से कम प्रीमियम लगे, फिर सिंप्लीफाइड प्रोसीड्योर फॉर द क्लेम सेटलमेंट के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसका मतलब कि क्या है कि फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर फंक्शन करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हैज डिजाइंड डिफरेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इकोनॉमिकल बैंक्स एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट देता है, ठीक है, एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट क्रेडिट देता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द निर्विक स्कीम विच इज सीन रिसेंटली इन न्यूज। तो न्यूज में था निर्विक स्कीम। तो पहला जो है वो स्टेटमेंट है कि अ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। नहीं, ये वुमेन से रिलेटेड नहीं है, निर्विक ऐसा साउंड करेगा निर्विक की वुमेन से रिलेटेड है, लेकिन वुमेन से नहीं रिलेटेड है, ये निर्विक है तुम्हारा निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक है। द स्कीम विच विल फैसिलिट हायर क्रेडिट डिसबर्समेंट टू द एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लेते सी वाला ऑप्शंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम टू मार्केट द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर कलेक्टेड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस द इंडिया, ये नहीं है। फिर उसके बाद डी है क्या कि एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द रिसर्च कल्चर एंड प्रमोट द इनोवेशन विद द हेल्प ऑफ द कोलैबोरेशन रिसर्च ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया, ये भी नहीं है। यानी कि बी ऑप्शन सही है, द स्कीम विच विल फैसिलिट द हायर क्रेडिट डिसबर्समेंट टू द एक्सपोर्टर इन इंडिया, बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है कि अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करेंट दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। इट इज ड्रिवन बाय डिफरेंस ऑफ वाटर डेंसिटी के कारण ये मतलब कि ड्रिवन करता है। ऑल्सो नोन एज अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट इंश्योर दैट द वर्ल्ड ओशियन आर कंटिन्यूसली मिक्सड डिस्ट्रीब्यूटेड हीट एंड एनर्जी अराउंड द अर्थ एड इन ऑब्जर्विंग द स्टोरिंग एटमोस्फेरिक कार्बन को मतलब कि एटमोस्फेयरिंग में ऑब्जर्व करने में ये काम आता है। द ग्लोबल वार्मिंग इज वीकनिंग द अब जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है जिसके कारण से जो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है वो वीक हो रहा है, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन द वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन ऑन एमओ में क्या हो रहा है कि राइज इन द टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशियन का अगर राइज करेगा टेम्परेचर तो इससे मतलब कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशियन स्ट्रेंथन द एमओ जो अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग है वो स्ट्रेंथ होगा ठीक है।
एमओ अगर राइज होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा करंट है। तो केंद्रीय करंट है, तो कोल्ड करंट है जो कि नॉर्थ अटलांटिक से मतलब कि इक्वेटर पर आ रहा है। फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम है, ये वार्म है, ठीक है। फिर अगुल हास जो मोजाम्बिक चैनल से निकल रहा है। फिर उसके बाद पेरू हम्बर डोट इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया, ये हमारा कोल्ड करंट है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये हमारा वार्म करंट है, ये सब ठीक है। अब जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्या कि इन कॉन्टेक्स्ट विद अटलांटिक अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करेंट दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिकल नॉर्थ वर्ड्स इंटू द नॉर्थ अटलांटिक। तो वार्म वाटर कैरी करता है, तो हाँ कैरी द वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिकल नॉर्थ वर्ड्स इंटू द अटलांटिक ओशियन। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन वीकेन द एएमओ सी अटलांटिक मेरिडियोनल्स ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। नहीं तो ये इंडियन ओशन का अगर वार्म होगा तो और ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, एएमओसी अटलांटिक मेरिडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव साइट नेटवर्क से ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क द सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिवनेस एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सुटेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को क्रिएट किया गया था 2004 में, और करेंटली 246 सिटीज़ आर इन दिस नेटवर्क। 246 सिटीज़ है, ठीक है। मिशन क्या है इसका यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का, कि प्लेसिंग क्रिएटिव क्रिएटिविटीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमिक टू मेक अ सिटी सेफ रेजिलियंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। सेवन कैटेगरीज अंडर द यूएनसीसी। एंड क्या है कि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, मीडिया मीडिया आर्ट्स, लिटरेचर। अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में इंडिया का कौन कौन है सिटीज़। जयपुर है, जयपुर को यूनेस्को सिटीज़ दिया हुआ है। वाराणसी है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है। मुंबई को फिल्म में, हैदराबाद जो गेस्ट्रोनॉमी में, गेस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने से रिलेटेड है, ठीक है। चेन्नई को म्यूजिक से और वाराणसी को भी म्यूजिक से, ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर को तुम्हारा क्राफ्ट एंड फोक आर्ट से रिलेटेड है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट से रिलेटेड। तो ये जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर वाराणसी को 2015 में दिया गया था, चेन्नई को 2017 में, मुंबई को 2019 में, और हैदराबाद को 2019 में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो नो सिटी फ्रॉम द इंडिया हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज अ क्रिएटिव सिटी अंडर द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ UCCN। लिटरेचर कैटेगरी में नहीं दिया गया, बहुत सही बात है। म्यूजिक कैटेगरी में दिया हुआ है, गैस्ट्रोनॉमी, फिल्म और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के, लिटरेचर के कैटेगरी में किसी को नहीं दिया गया। रिसेंटली हैदराबाद एंड जयपुर वर डेजिग्नेटेड एज ए क्रिएटिव सिटी। हैदराबाद को रिसेंटली दिया गया है, लेकिन जयपुर को 2015 में ही दिया हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है।
इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो नाइदर वन नाइदर टू डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द पार्कर सोलर प्रोब, ये पार्कर सोलर प्रोब है, ये नासा का है जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में अगस्त में। क्या है एम? मतलब कि आउटर कोरोना ऑफ सन, सन का जो कोरोना है आउटर कोरोना उसको स्टडी करना है, ठीक है। अब क्या है कि इट विल द क्लोजेस्ट एवर स्पेस क्राफ्ट जो कि सन के क्लोजेस्ट जाएगा, फ्लाई करेगा, ठीक है, और सन का एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव्स थ्रू द सन कोरोना, टू एक्सप्लोर व्हाट एक्सेलरेट्स द सोलर विंड्स एज वेल एज सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स को कैसे एक्सेलरेट करता है, और द इमेज ऑफ द सोलर विंड, सोलर विंड का इमेज को क्लिक करना। उसके बाद है कि क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पार्कर सोलर प्रोब, तो इट एम्स टू स्टडी द सन आउटर मोस्ट एटमोसफियर नोन एज कोरोना, बिल्कुल सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है इट विल बी द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच क्लोजेस्ट एवर टू द सन एटमोसफियर, बिल्कुल सही है। इट इज ज्वाइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, नहीं ये बस नासा का मिशन है, ठीक है। तो पार्कर सोलर प्रोब नासा का मिशन है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, तो वन एंड टू करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इंडिकेट नो इंडिकेट, नीति आयोग से रिलेटेड है आर्टिकल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फुल फॉर्म है नीति आयोग का, ये कौन कौन सा मतलब इंडिसेस को रिलीज करता है, जैसे कि SDG इंडिया, इंडिया इंडेक्स को रिलीज करता है, इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स को रिलीज करता है, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स को रिलीज, जितना भी इंडेक्स है लास्ट में सबको रिलीज करता है, ठीक है। स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, SDG से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ये सब मतलब कि रिलीज करता है। क्या चीज़ है जी? तो SDG से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड, फिर एनर्जी से रिलेटेड, फिर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सब मतलब कि नीति आयोग रिलीज करता है, याद रखना। फिर नीति आयोग के बारे में बोल रहा है कि इट इज़ अ प्राइमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग डायरेक्शनल एंड पॉलिसीज इनपुट। मेंबर्स कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है एंड वन वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री फुल टाइम मेंबर होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, थ्री फुल टाइम मेंबर होता है। अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये एक तरह का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है इसका। अब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसको रिलीज कौन करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है। इंस्टीट्यूशनल आ रहा है, ठीक है, तो रैंकिंग फ्रेमवर्क है तो ये HRD ही रिलीज करेगा। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट और इंडिसेस इज नॉट रिलीज बाई नीति आयोग, तो नीति आयोग के द्वारा कौन सा नहीं रिलीज करता है? तो हम लोग देखें वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, इनोवेटिव इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, फिर हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, एजुकेशन इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, हॉस्पिटल इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नीति आयोग नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशनल है तो ये HRD करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द, ये जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है 2019। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो पब्लिश किया गया था बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है, ठीक है,
इसमें क्या बोल रहा है कि कि मेजर फाइंडिंग क्या है क्या कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसमें मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, फिर मेघालय का है, फिर मणिपुर का है, फिर नागालैंड का है। सारा के सारा तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला टॉप थ्री शोइंग इंक्रीज इन अ फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला में। और टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री 24.56% है ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है। मैंग्रोव टोटल कवर ऑफ मतलब कि सब लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव्स है, जिसमें इंक्रीज बाय द गुजरात में 54 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज कर गया। तो टोटल तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा गुजरात में, गुजरात में, फिर ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर उसके बाद गुजरात सब में। फिर टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट जितना मिलियन टन्स टोटल कार्बन मतलब के स्टॉक करने का, मतलब के सिंक करने का है एबिलिटी क्षमता। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टोटल फॉरेस्ट कवर इतना स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 65% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है, डिक्रीज बाय 0.4% से डिक्रीज कर गया है। इन द असम और त्रिपुरा में फॉरेस्ट कवर इन डिक्रीज किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन अ फॉरेस्ट कवर, ट्रीज कवर, मैंग्रोव्स कवर, इंडियन कार्बन स्टॉक ETC। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। क्या है कि मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज इन द कंट्री। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का हाइएस्ट है। मैंग्रोव कवर हैज़ डिक्रीज इन द कंट्री, नहीं, मैंग्रोव कवर इंक्रीज किया गया है, ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंग्रोव कवर टोटल इंक्रीज बाई 54 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज किया गया है, ठीक है। फिर गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेट लैंड विथ इन रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। तो हाँ, गुजरात का लार्जेस्ट वेट लैंड है, फिर उसका वेस्ट बंगाल है, ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब कि बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि मैंग्रोव्स का भी एरिया इंक्रीज किया है 54 किलोमीटर स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो रिलीज करन करता है कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है। तो इसका टाइटल क्या है, कमोडिटीज डिपेंडेंस क्लाइमेट चेंज एंड द पेरिस एग्रीमेंट। कमोडिटी डिपेंडेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज face challenges in the light of the Paris Agreement। क्या क्या challenges है कि benefit arises from the climate change mitigation are adopted। Other importance report released by United Nations Conference of Trade and Development। क्या क्या होता है कि Trade and Development Report, World Investment Report रिलीज करता है, फिर उसके बाद the least developed कंट्रीज रिपोर्ट रिलीज करता है, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट भी रिलीज करता है, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट भी रिलीज करता है, और द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज करता है कौन, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है ये सब। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज कॉमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। तो कॉमोडिटीज एंड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है
वो रिलीज करता है कौन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है कौन, द रिपोर्ट कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है कौन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गवी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड इन 2000 में क्रिएट हुआ था। तो गवी जो है वो अलायंस है, अ ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल। किसको किसको इम्यूनाइज करता है, तो गोल है कि क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रंस लिविंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। पार्टनर कौन कौन इसमें पार्टनर है गवी में, तो पार्टनर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, द वर्ल्ड बैंक एंड द बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। ये सब पार्टनर है इसमें, किसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पार्टनर है, तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवी में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, द वर्ल्ड बैंक एंड द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गवी। तो पहला है स्टेटमेंट कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस लिविंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। बिल्कुल सही है, इसमें मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गवी, जो कि इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव इंक्रीज इन द न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रंस लिविंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन का नहीं है, यूनाइटेड नेशन का नहीं है, ये है तुम्हारा तुम्हारा ज्वाइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ का, वर्ल्ड बैंक का और बिल एंड मिलिंडा गेट का फाउंडेशन का। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट तो ओनली वन ए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू वांचो ट्राइब, वांचो ट्राइब जो अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में था, ये वांचो ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते क्या है कि कल्चरली नागास बट मतलब कल्चरली नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं बट एथनिकली रिलेटेड टू द नोक्टी एंड कोनियक नागा ट्राइब्स ऑफ द मून एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट। वांचो लैंग्वेज बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिलीज नोन एज अ टाटोइंग। प्राइम फेस्टिवल क्या है, ओरिया, ओरिया इन लोग का फेस्टिवल है, ओ आर आई ए एच, ओरिया इन लोग का फेस्टिवल है। न्यूज में इसलिए कहा था क्योंकि अ स्क्रिप्ट ऑफ वांचो लैंग्वेज वाज बीन डेवलप्ड, स्क्रिप्ट ऑफ वांचो लैंग्वेज डेवलप किया गया यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, मतलब कि इसको वर्ल्ड यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज में वांचो लैंग्वेज को वनरेबल कैटेगरी में है। ठीक है, वांचो लैंग्वेज को वनरेबल कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर उसके बाद गालो ट्राइब जो है वो ट्राइब ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ही ट्राइब है, गालो ट्राइब भी, और लार्जेस्ट सेक्शन आर फाउंड इन वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ये गालो ट्राइब मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। प्राइम फेस्टिवल क्या कि मोपिन फेस्टिवल है, सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वांचो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, गालो ट्राइब भी अरुणाचल प्रदेश में, बोरो ट्राइब जो है वो असम में, बिल्कुल सही है, बोरो या बोडो जो भी वो ट्राइब असम में पाया जाता है। ठीक है, तो वन एंड टू स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। अब ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कौन कौन सा ट्राइब है? तो अंडमानीज, अंडमानीज ट्राइब है, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसर 2011 में सेंसर 44 ही था। फिर उसके बाद जारवास ट्राइब 380 था, निकोबारियंस 27,000 था के आसपास, ओम ट्राइब 101 था, सेंटलिस ट्राइब 15 था, सोमपेन 229 था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द टर्टल सर्वाइवल अलायंस, ठीक है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है ये फॉर्म्ड इन 2001 एज IUCN पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टर्टाइस। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल नेचर एंड नेचुरल पार्टनरशिप विद सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टर्टाइस फॉर्म कब हुआ था कि रिस्पॉन्स ऑफ द एशियन टर्टल क्राइसिस के कारण इसको फॉर्म किया था, टर्टल सर्वाइवल अलायंस को। फिर उसके बाद इसमें इसका काम क्या है कि डेवलप करना ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल एंड टर्टाइस that unlikely to be survive without well management managed population, जो नहीं survive कर पाएगा अगर उसको मतलब कि मैनेज नहीं कर पाए, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो। तो एट प्रेजेंट टर्टल सर्वाइवल अलायंस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन आउट ऑफ US, ठीक है। कंजर्वेशन एक्शन क्या है कि रिस्टोरिंग करना है, रिस्टोरिंग टर्टल एंड टर्टल पॉपुलेशन को रिस्टोर करना इन द वाइल्ड वेयर एवर पॉसिबल, सिक्योर करना स्पीसीज इन कैप्टिव थ्रू एश्योरेंस कॉलोनीज, बिल्डिंग करना है, बिल्डिंग द कैपेसिटी टू रिस्टोर सिक्योर एंड कंजर्व स्पीसीज विद इन देयर रेंज कंट्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टर्टल सर्वाइवल अलायंस। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नहीं ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का नहीं है ऑर्गन, ये IUCN का है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ फिश वाटर टर्टल एंड टर्टाइस। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कंजर्वेशन कंजर्व करता है फ्रेश वाटर टर्टल एंड टर्टाइस को। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो पूछ भी रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI, तो रिलीज बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ट ईयर 2012 रहता है, मंथली रिलीज होता है, ठीक है। मेजर द चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स विथ रेफरेंस टू द बेस ईयर। अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में क्या है, डज नॉट कवर ऑल द आइटम्स कमिंग अंडर द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में जो है वो सबको मतलब कि कवर नहीं करता है, CPI के अंदर में जो भी आता है सबको कवर नहीं करता है, एक्सक्लूडिंग द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज को एक्सक्लूड करता है। फिर प्रिपेयर्ड मील्स स्नैक्स स्वीट्स ये सबको अपना एक्सक्लूड करता है इसमें CFPI में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा चार्ट देख लो, तो CFPI किसको किसको मतलब कि
किसको किसको कंसिडर करता है? तो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट, मीट एंड फिश, एग्स, मिल्क एंड प्रोडक्ट, ऑयल्स एंड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्स, शुगर, स्पाइसेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज को इसमें नहीं कंसिडर करता है, और तुम्हारा प्रिपेयर्ड मील, स्नैक्स एंड स्वीट्स, ये सबको नहीं कंसिडर करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI इज रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ आइटम अंडर द फूड एंड बेवरेज कंपोनेंट्स ऑफ CPI। तो पूरा उनको नहीं करता है, कुछ पार्ट को करता है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है कि अ पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर एंड फाइनेंसर, ये सबका एक पार्टनरशिप है प्रोग्राम। ठीक है, ये इनिशिएट कौन किया था? इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनिशिएट किया गया था टू फंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विच अ सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मैनेज। ये मतलब कि फंडिंग पार्टनर क्या है, कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जापान, सिंगापुर एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सपोर्ट टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन कौन सा? सोलर पार्कर प्रोग्राम ऑफ MNRI और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये दोनों को फंड कर रहा है। अब उसके बाद तो ये तुम्हारा ये टोटल है गवर्नमेंट काउंसिल फंडिंग पार्टनर, ये सब है। ठीक है, सब डिटेल है, देख लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस GIF। तो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ न्यू वे टू कोलैबोरेट ऑन प्रिपेयरिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन कुड हैंडल इट ओन। बिल्कुल सही है। इट इज इनिशिएटिव ऑफ IFM एंड वर्ल्ड बैंक, नहीं IFM वर्ल्ड बैंक का नहीं है, इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ठीक है, बस वर्ल्ड बैंक का। और पार्टनर, फंडिंग पार्टनर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना है, जापान है, सिंगापुर है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। दो प्रोजेक्ट को ये फंड कर रहा है, एक सोलर पार्कर प्रोग्राम और एक कर रहा है तुम्हारा राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द सोंडोल डांस। सोंडोल डांस मतलब कि लद्दाख का डांस है, ट्रेडिशनल डांस है। सोंडोल डांस इज आल्सो अ रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। ठीक है, ही हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय एंट्रिंग इनटू अ गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट लद्दाखी डांस इन 2019। थीम क्या था कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज ऑफ लद्दाख एंड हिमालयन रीजन। इसमें 408 ओमेंस परफॉर्म की थी डांस, ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 299 आर्टिस्ट डांस ऑफ सोंडोल इन 2018 फेस्टिवल। द 2019 डांस इवेंट्स वाज हेल्ड ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ एनुअल बुद्धिस्ट कार्निवल नरोपा, मतलब नरोपा फेस्टिवल भी याद रखना, लद्दाख से रिलेटेड है नरोपा, नियर द हेमिस मोनास्ट्री। अब हेमिस मोनास्ट्री या हेमिस नेशनल पार्क दोनों लद्दाख में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोंडोल डांस। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ लद्दाख परफॉर्म्ड फॉर द किंग ऑफ लद्दाख। बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड रिकोगनाइज बाई द यूनेस्को एज अ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज। नहीं, ये यूनेस्को के द्वारा नहीं है, ये लद्दाखी चैंट को यूनेस्को इंटेंजिबल
कल्चरल हेरिटेज में दिया हुआ है, लेकिन इसको नहीं दिया हुआ है, लद्दाखी डांस संडोल का नहीं दिया है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, तो ओनली वन यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, तो इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड है डिजाइन टू एक्सेलरेट द एंड ऑफ एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया एज अ एपिडेमिक्स, ठीक है। तो मोबिलाइज एंड इन्वेस्ट मोर देन $4 billion एज अ ईयर टू सपोर्ट प्रोग्राम रन बाय द लोकल एक्सपर्ट्स इन द मोर देन 100 कंट्रीज। इसमें क्रिएटेड बाय 2002 में इसको क्रिएट किया गया था, ग्लोबल फंड ऑफ एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया अनाउंस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $22 million टू द ग्लोबल फंड। अब इंडिया को अनाउंस किया था, इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसमें $22 million को अनाउंस किया था कि इसमें फंड करेगा फॉर द ग्लोबल फंड ऑफ द एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। तो ये इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल फंड ऑफ फॉर एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, इट इज़ अ ग्लोबल पब्लिक पार्टनरशिप फंड, नहीं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड है, तो वन वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज क्रिएटेड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू एंड द एपिडेमिक ऑफ एड्स ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया बाय 2030। तो 2030 तक तो इसको एंड करना था, ये हो सकता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ही पूछ रहा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन में जितना भी पोर्ट्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो कि हम लोग को क्या करना है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडियन ओशियन एज वन प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट इंडियन ओशियन में जाएंगे तो कौन कौन सा कौन कौन सा पोर्ट आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, तो चंगाई पोर्ट आएगा क्योंकि वह सिंगापुर में है चंगाई पोर्ट। फिर उसके बाद एजम्पशन आइलैंड का पोर्ट आएगा, ठीक है, एजम्पशन आइलैंड का पोर्ट आएगा। फिर उसके बाद दुकम पोर्ट आएगा, फिर जिबूती पोर्ट आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा फोर होगा। फिर उसके बाद थ्री होगा, दुकम पोर्ट आएगा, फिर उसके बाद एजम्पशन आइलैंड पोर्ट आएगा, फिर जिबूती पोर्ट आएगा। ये देखो मैप में सिंगापुर में यहाँ पर पोर्ट है कौन सा, चांगी पोर्ट है। उसके बाद दुकम पोर्ट है तुम्हारा, कहाँ पर दुकम पोर्ट तुम्हारा, ओमान में है दुकम पोर्ट, ठीक है। और इंडिया ये क्लोज है किससे, चाबहार पोर्ट से, ग्वादर पोर्ट से क्लोज है, ठीक है। चाबहार पोर्ट और दुकम पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एजम्पशन आइलैंड का पोर्ट भी इंडिया नेवी के द्वारा डेवलप किया जाएगा, और जिबूती पोर्ट, ठीक है, मैप में देख लो। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो GSDP, ये क्या है कि एक डेवलपमेंट ग्रीन स्किल कंट्रीब्यूशन है टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, डेवलपिंग ग्रीन स्किल्ड वर्कर
with technical knowledge and commitment to sustainable development. ठीक है, ग्रीन स्किल वर्कर होगा विथ टेक्निकल नॉलेज रहेगा और कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट रहेगा. फिर अटेनमेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट NBT एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. फील्ड कवर्ड कौन कौन रहेगा, तो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, एयर वाटर सॉइल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बजटिंग, ये सब सारा कवर रहेगा. ऑल कोर्स नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लायंस. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर टू इनेबल द इंडियन यूथ टू गेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बिल्कुल सही है, ग्रीन स्किल मतलब डेवलपमेंट का यही एजेंडा है, यही इनिशिएटिव है. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं, ये ग्रीन है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द गोल्ड स्मिथ टाइड, ये एक तरह का मिनरल्स है जो कि फाउंड हुआ है इन द साउथ अफ्रीका. ठीक है, वोल्केनिक साइट में फाउंड हुआ है, डार्क ग्रीन कलर का है, ओपेक मिनरल्स है. ठीक है, फिर इसके बाद द डायमंड इज बिलीव टू बी फॉर्म्ड इन एट 170 किलोमीटर अंडर द अर्थ मेंटल स्टेनोस्फेयर में ये फॉर्म हुआ है, स्टेनोस्फेयर में. ठीक है, हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ निबोडियम, पोटेशियम एंड रेयर अर्थ मेटल लैंथेनम एंड सीजियम. ठीक है, ये सारा मेटल इसमें मिला है. द डिस्कवरी गिव्स एन आइडिया ऑफ अ फ्लूइड प्रोसेस दैट अफेक्ट द डीप रूट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द डायमंड फॉर्मेशन. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ टाइड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ क्या है. तो ये एक तरह का मतलब कि न्यू मिनरल्स है डिस्कवर फ्रॉम द अर्थ मेंटल से एक न्यू मिनरल्स डिस्कवर किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द ई संचित जो है कि संचित मतलब कि लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है. ई संचित मतलब कि संचित किया है, धन संचित किया तो उस पर टैक्स देना है, ऐसा कुछ करके याद रख लो. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है. तो ये एम करता है टू रिड्यूस फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कस्टमर एंड क्लियरिंग एजेंट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट क्लियरेंस टाइम बाय अपलोडिंग द डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट. तो इस पर आप डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट कर मतलब कि सेंड कर सकते हैं, और ये मतलब कि एक तरह से क्लियर एक सिंगल विंडो है. ठीक है, मेनली फॉर पेपरलेस प्रोसेस है, अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड टू फैसिलिट द ट्रेडिंग क्रॉस बोर्ड. तो इससे द्वारा मतलब कि ये मोर फास्टर होगा. ठीक है, तो ये इससे पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है क्या कि Which one of the following statement best describe e-Sanchit? तो e-Sanchit क्या है, ये ऑप्शन है कि a direct online marketing platform to facilitate online entrepreneurship opportunity for women. नहीं, ये नहीं है. फिर उसके बाद बी है कि a web-based solution and an integrated applications to register and to address the grievances received online. नहीं, ये भी नहीं है. IT infrastructure used for the paperless processing under the single window
under the single window interface for facilitate the trade across the border. फिर लास्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन. तो सी ऑप्शन मोर एक्यूरेट है कि ये एक तरह का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पेपरलेस प्रोसेसिंग अंडर द सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलेट द ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर. ये समझित फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018. तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो रिलीज पब्लिश बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ग्रुप्स ऑफ अ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट. ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स इसको रिलीज करता है. ठीक है, ग्लोबल की फाइंडिंग क्या है कि स्टंटिंग इन द चिल्ड्रंस अंडर द 5 years of age is declining at the global level, exception Africa में छोड़ के. ठीक है, stunting क्या है? Stunting है कि low height to the age. ठीक है, और wasting क्या है? Low weight to the height. Progress in addressing the underweight and anemia among the women extremely slow. ठीक है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी अमंग द एडल्ट्स इज गेटिंग वर्स्ट, हायर रेट ऑफ ओबेसिटी अमंग वुमेन देन मेन. तो हायर रेट ऑफ ओबेसिटी क्या है? वुमेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मेन. इंडियन स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है कि अमंग द 3 countries विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु आर स्टंटेड 46.6 million स्टंट है. अमंग द 3 countries विथ मोस्ट चिल्ड्रंस हु आर वेस्टेड इज 25.5 million वेस्टेड है. ठीक है, फिर उसके बाद एनीमिया एंड स्टंटिंग आर द 2 forms ऑफ माल न्यूट्रिशन बर्डन एक्सपीरियंस एंड 51.4% ऑफ वोमेन आर रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव एज वर अफेक्टेड बाय एनीमिया. एनीमिया से वो मतलब ग्रसित है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट. तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मतलब क्वेश्चन है कि इट इज पब्लिश बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन कोऑपरेशन कोलेबरेशन विथ यूनिसेफ. तो ये गलत है क्योंकि ये पब्लिश करता है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट. ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडिया इज अमंग द कंट्री विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टंटिंग एंड चिल्ड्रन चाइल्ड वेस्टिंग. ये बिल्कुल सही है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है. तो करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट है, यानी कि 2B. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो चीफ ऑफ डिफेंस CDS एक तरह का 4-star जनरल है जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड फंक्शन एज अ सेक्रेटरी. तो ये हेड किसका रहेगा? तो मिलिट्री अफेयर्स का हेड रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड नहीं रहेगा, मिलिट्री अफेयर्स का ये हेड, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड रहेगा. फंक्शन एज अ सेक्रेटरी की तरह फंक्शन करेगा. एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू राष्ट्रीय टू द रक्षा मंत्री मतलब कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन द ऑल 3 service matters. ये एक तरह का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह एक्ट करेगा और वो सलाह देगा किसको? डिफेंस मिनिस्ट्री को सलाह देगा 3 service पर. विल नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड इंक्लूडिंग ओवर द 3 service चीफ. और ये कोई मिलिट्री कमांड नहीं दे सकेगा 3 service पर. नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड नहीं दे सकता किसी भी सर्विस पर को. विल प्रोवाइड इम्पार्शियल एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडर्स.
और विल प्रोवाइड इम्पार्शियल एडवाइस देगा पॉलिटिकल लीडर्स को, फिर परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज, और परमानेंट चेयरमैन रहेगा ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का परमानेंट चेयरमैन रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड नहीं करेगा वो, मतलब कि हेड किसको करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को हेड करेगा, ठीक है, डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड नहीं करेगा, उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर है। फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल द थ्री सर्विस मैटर्स। बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिलेटेड है क्या, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू महानदी रिवर, तो महानदी रिवर है, इट इज़ अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में और फ्लो थ्रू द उड़ीसा से फ्लो करता है, छत्तीसगढ़ से इसका ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। ये लगभग 8 किलोमीटर ये लंबा है। फिर ड्रेनेज बेसिन स्टार्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश में, इसका ड्रेनेज महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा में ड्रेनेज बेसन है। इस पर सबसे बड़ा अर्थित डैम है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द रिवर महानदी बेसिन। तो मध्य प्रदेश शेयर करता है, छत्तीसगढ़ शेयर करता है, उड़ीसा शेयर करता है, तेलंगाना नहीं शेयर करता, महाराष्ट्र शेयर करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू महानदी को शो किया, जितना भी इंडिया में नदी है, ये देखो महानदी हीराकुंड टाइम है, ठीक है, ये सारा शो किया। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो कि मतलब बाय द कौन, किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा किया जाता है। द फर्स्ट एवर नेशनली रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ चाइल्ड एंड एडोलोसेंट्स इन इंडिया। तो ये एक तरह का फर्स्ट एवर नेशनली रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रिशन सर्वे एंड चाइल्ड एंड एडोलोसेंट इन इंडिया है, ठीक है। इसका एम क्या होता है कि टू मेजर द माल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग वॉर्म इन्फेक्शन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशेंसी थ्रू बायो केमिकल मेजर्स। इसमें क्या होता है कि मेजर्स एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा सच एज वेट ऑफ एज, हाइट ऑफ एज, वेट ऑफ हाइट, ये सब देखा जाता है, ठीक है। फोकस क्या करता है, ऑन द डिटेल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी और द ओवरवेट, मस्कुलर स्ट्रेंथिंग एंड फिटनेस। इसमें फाइंडिंग क्या है कि 83% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द बिटवीन द 12 टू 15 मंथ्स कंसिडर टू बी ब्रेस्ट फीडेड, 85% इन अ रूरल एंड 76% इन अर्बन एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद 44% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन रिसीव मील्स मोर फ्रिक्वेंटली इन अ डे कंपेयर टू 37% ऑफ द अर्बन चिल्ड्रंस। ये सब फाइंडिंग है, ठीक है। तमिलनाडु और गोवा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स हु वर आइदर ओबेस एंड ओवरवेट, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है क्या
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज. इट इज़ द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ टू मेजर द माल न्यूट्रिशन. बिल्कुल सही है. The second statement, it is defined for the National Family Health Survey and collect data only up to the 5 years of age, whereas NSS collect the data of children and adolescents of 19 years of age. नहीं, ये गलती है. दोनों में मतलब कि 19 years of age का बच्चे को ये किया जाता है. फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि एज पर दिस सर्वे तमिलनाडु एंड गोवा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एडोलेसेंट हुज वो ओबेस एंड ओवरवेट. ये बिल्कुल सही है. यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, माने कि 1 और 3 करेक्ट हो गया, यानी कि बी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है कि ये फंड है कंप्राइजिंग ऑफ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट प्रोवाइड दिस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि दैट प्रोवाइड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट जो प्रोवाइड करे. अब जो एक्सचेंज ट्रेड फंड है इधर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर की तरह ही ट्रेड होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, इजी टू यूज़ है एंड लो कॉस्ट वे टू क्रिएट अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अब इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा भारत 22 ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड, और भारत बोर्ड ETF, इक्विटी फंड और डेप्ट फंड. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF. एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या होता है कि इट इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेड ऑन एक्सचेंज. हाँ, ये ठीक है, ये एक तरह का सिक्योरिटी है जो कि ट्रेड किया जाता है ऑन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है. बिल्कुल सही है, एक्सचेंज ट्रेड फंड ये एक तरह का सिक्योरिटीज है. एक्सचेंज ट्रेड फंड एक तरह का सिक्योरिटी है जिसको ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है ETF को. रिसेंटली भारत बॉन्ड ETF वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर द फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड ETF इन द कंट्री. हाँ बिल्कुल सही है, भारत बॉन्ड. तो पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि बी, ये सी हो जाएगा बोथ 1 और 2. नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट चमन. तो चमन मतलब कि गार्डन होता है, ठीक है, चमन पर फूल खिला, तो ऐसा कुछ गार्डन होता है, स्मॉल गार्डन होता है. ठीक है, तो चमन जो है वो कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग द जियो इन्फॉर्मेटिक्स. तो असेसमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर में इसको असिस्ट करेगा. ठीक है, इसमें क्या होगा कि रिमोट सेंसिंग रहेगा इम्प्लीमेंटेड बाय द महालोविस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के द्वारा. ये मतलब कि एक रिमोट सेंसिंग रहेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, फिर फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में ये काम करेगा. क्या? प्रोजेक्ट चमन. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हाउ द चमन हेल्प फार्मर को कैसे हेल्प करेगा, तो असिस्ट करेगा तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया एंड फोरकास्ट प्रोडक्शन क्वालिटीज को फिर फोरकास्ट करेगा. पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी सेटअप रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करेगा, इंक्रीज फार्मर इनकम को इंक्रीज करेगा, हेल्प टू
आइडेंटिफाई बेस्ट सुटेबल क्रॉप इन द रीजन, बेस्ट सुटेबल क्रॉप को रीजन में आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। तो देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट चमन। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च फॉर बेटर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू रिमोट सेंसिंग GIS एंड फील्ड सर्वे। बिल्कुल सही है, रिमोट सेंसिंग और GIS ग्लोबल सेटेलाइट पोजिशनिंग एंड फील्ड सर्वे के द्वारा ये लॉन्च मतलब कि हॉर्टिकल्चर के लिए लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई द महालोविस नेशनल क्रॉप फॉरकास्टिंग सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बिल्कुल सही है, महालोविस इसको नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द मिलिटेंट्स। तो बोको हराम जो है वो नाइजीरिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्टिव है। ये एक तरह का इस्लामिक ग्रुप है। फिर हुती यमन में एक्टिव है, ये सिया डोमिनेंट रेबल है ग्रुप। फिर उसके बाद पीपल प्रोटेक्शन यूनिट जो कि सीरिया में है, जो कि कुर्दिश मिलिटेंट्स है। फिर सलवा जुदम छत्तीसगढ़ में एंटी इंसर्जेंस मतलब कि माओवादी से लड़ता है, सलवा जुदम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिलिटेंट्स एंड द कंट्रीज दैट बिलोंग। तो बोको हराम नाइजीरिया बिल्कुल सही है, हुती ग्रुप लेबनान है, यमन है, पीपल प्रोटेक्शन यूनिट ये सीरिया। बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS इज एन मतलब कि BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये एक तरह का इट इज़ RBI कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सिस्टम ड्रिवन बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रिवन करता है। ये एक तरह का RBI का कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, ये करता है कि इट्स ऑफर्स इंटीग्रेटेड एक्सेसिबल एंड इंटरपेरेबल बिल पेमेंट सर्विस टू कंज्यूमर अक्रॉस जियोग्राफिक्स विथ सर्टेनिटीज सेफ्टी ट्रांजेक्शन एंड वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑल द बिल। अब इसमें ऑल द बिल आता है, इसमें क्रेडिट कार्ड, UPI, वैलेट, कैश, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, गैस, वाटर बिल, जितना भी तरह का बिल है, इनकम टैक्स, प्रीमियम, सब बिल, जितना भी बिल है वो सब पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसमें अलाउ करता है मल्टीपल पेमेंट मोड जैसे कि कार्ड, UPI, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, वैलेट, कैश, सबको ये मतलब कि इनेबल करता है। यही कहलाता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS इज़ एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया ऑफरिंग द इंटरपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस टू कस्टमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज और आर कवर्ड अंडर BBPS। तो इसमें म्यूनसिपल टैक्स हाँ कवर है, इंश्योरेंस प्रीमियम कवर है, म्यूचुअल फंड कवर्स है, स्कूल फी कवर है और EMIs कवर्स है, यानी कि सारा का सारा कवर है इसमें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू एशियान वाटर डेवलपमेंट आउटलुक।
एशियान का वाटर डेवलपमेंट आउटलुक है जो कि निकला है इनिशिएटिव ऑफ एशियान डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इनिशिएटिव किया है। एशियान वाटर डेवलपमेंट आउटलुक ये एशियान डेवलपमेंट बैंक के द्वारा निकाला जाता है एंड एशिया पैसिफिक वाटर फोरम के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस वाटर मैनेजमेंट इशूज इन एशिया एंड पैसिफिक। थ्री एडिशन, फर्स्ट एडिशन इन 2007 में निकला था अंडरलाइनिंग द नीड एंड एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी। सेकेंड एडिशन 2013 में निकला था, ठीक है। फिर थर्ड एडिशन क्या है? 2016 में निकला है, जिसमें फाइंडिंग क्या है कि बाई 2050 द ग्राउंड वाटर यूज ऑफ द रीजन विल इंक्रीज बाई 30% से इंक्रीज कर जाएगा। और बाई 2050 चाइना, इंडिया, पाकिस्तान विल अकाउंट फॉर 86% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन इन द रीजन। और बाय 2050 इंडिया विल बी वन ऑफ द कंट्री विद द लोएस्ट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। लोएस्ट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी रहेगा इंडिया में, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। दैट इज 89% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर यूज फॉर द इरीगेशन के लिए यूज करता है। 9% ऑफ द डोमेस्टिक यूज के लिए, 2% इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करता है। अब क्या है कि द एशिया एंड द पैसिफिक इज द ग्राउंड ग्लोबल हॉट स्पॉट्स फॉर द वाटर इनसिक्योरिटीज। सबसे ज़्यादा हॉट मतलब कि ये रीजन सबसे ज़्यादा वो अफेक्टेड रहेगा। और उसके तो इससे मतलब कि इसमें लास्ट है कि रीजन मैसिव पॉपुलेशन दैट इज 3/4 ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया विल बी द हॉट स्पॉट फॉर द वाटर इनसिक्योरिटीज। बिल्कुल सही है। इट हाईलाइट्स वाटर सिक्योरिटी इशूज इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन एज वेल। हाँ, ये हाईलाइट करता है एशिया एंड पैसिफिक रीजन का भी, ठीक है। नाम ही है एशिया वाटर डेवलपमेंट आउटलुक। इट इज़ रिलीज बाई द एशियान इन कोलाब्रेशन विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नहीं, ये एशियान के द्वारा नहीं होता है, एशिया वाटर तुम्हारा एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है एंड एशिया पैसिफिक वाटर फोरम के द्वारा, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और एशिया पैसिफिक वाटर फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ये एशिया वाटर डेवलपमेंट आउटलुक। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द एकेडमिक लोमोनोसोव। एकेडमिक लोमोनोसोव एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट है इन द वर्ल्ड। कौन सा? एकेडमिक लोमोनोसोव। तो डेवलप कौन डेवलप किया है? तो रुस्तम डेवलप किया है, रशियन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रुस्तम। तो 2-1 बोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें 70 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, 50 गीगा कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी पर आवर रिलीज करता है। लॉन्च इन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। कमीशन इन 2020 में कमीशन होगा, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी फॉर द पॉपुलेशंस रिसाइड इन पेवेक में जो रशिया का सिटी है वहाँ पर मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। देखो मुरमांस ये इसको लॉन्च किया गया और पेवेक एक तरह का फार ईस्ट में एक सिटी है रशिया का, वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करना इसका काम है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि एकेडमिक लोमोनोसोव दैट इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ क्या से रिलेटेड है कि मिशन टू हेल्प अंडरस्टैंड द आर्टिक क्लाइमेट सिस्टम। नहीं, ये नहीं है, ये मार्को पोलो इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल मतलब क्रॉप होता है, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस है, ठीक है, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था बाय रिप्लेसिंग द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का मॉडिफाइड वे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू द फार्मर इन द इवेंट्स ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द क्रॉप, अगर फेलियर रहेगा तो उसके लिए प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, चाहे क्लाइमेट से हुआ, पेस्टिसाइड पेस्ट से हुआ, डीजल डिजीज से हुआ, कुछ से भी। फिर टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर, को इनकम स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फार्मर को। टू इंकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब मोटिवेट करता है फार्मर को। टू इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट हमेशा फ्लो होते रहे, इसको भी निर्धारित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खरीफ के लिए जो प्रीमियम होता है वो मतलब कि 2% होता है, और मतलब कि 2% खरीफ के लिए होता है, 1.5% रबी क्रॉप के लिए होता है प्रीमियम, और 5% हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। मतलब कि खरीफ क्रॉप का प्रीमियम ज़्यादा रहता है 2%, और रबी क्रॉप का प्रीमियम कम रहता है जो कि 1.5%, और तुम्हारा हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होता है उसका 5% प्रीमियम देता है। फिर ये बैलेंस ऑफ द प्रीमियम इज शेयर्ड बाय द सेंटर 50-50 बेसिस में शेयर करता है, लेकिन अब क्या हो गया 2020 से कि इरिगेटेड एरियाज क्रॉप मतलब कि इसमें सेंट्रल जो शेयर रहेगा 25%, अनइरिगेटेड में 30% रहेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तुम्हारा 90% रहेगा। एलिजिबल कौन रहेगा कि ऑल द फार्मर गोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन एन नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप, मैंडेटरी फॉर द फार्मर, ठीक है, ये मैंडेटरी है फॉर परचेसिंग द क्रॉप लोन अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके पास रहेगा सबको ये लेना जरूरी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या कवर करेगा, तो ये तुम्हारा नेचुरल फायर, लाइटनिंग स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफोन, ईटीसी, फ्लड, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, पेस्ट डिजीज, ये सब को कवर करेगा, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कवर करेगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पहला स्टेटमेंट है इट रिप्लेस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेचर, ठीक है, ये सही है, नेचुरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस करके ये आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% टू बी पेड फॉर बाई द फार्मर फॉर ऑल द क्रॉप, नहीं 2% फॉर द खरीफ क्रॉप है, 1.5% फॉर द रबी क्रॉप एंड 5% फॉर द हॉर्टिकल्चर। फिर सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर द बैलेंस प्रीमियम इन द रेशियो 60:40, नहीं ये भी गलत है, ये डिपेंड करता है क्या है, ये इरीगेटेड लैंड है तो 25%, यानी इरीगेटेड लैंड 30%, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 90%। फिर फोर्थ वाला है कि द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर द फार्मर इन द नोटिफाइड एरिया हुज पोजेस क्रॉप लोन अकाउंट एंड किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट, ये बिल्कुल सही है, तो 1 and 4th करेक्ट पूछा तो 1 and 4th हो जाएगा आंसर, यानी कि डी। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द
कॉरल रीफ। तो कॉरल रीफ जो है इज़ अ लिविंग एनिमल है, जो कि कॉरल रीफ आर बिल्ट बाय द बाय एंड मेड अप थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कॉरल। ठीक है, कॉरल हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ जियोजेंथली, जियोजेंथली के द्वारा साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और इंडिया में कॉरल रीफ मेनली फाउंड होते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप आइलैंड में, मालवन, मालवन एक तरह का गोवा महाराष्ट्र के पास बॉर्डर के पास कुछ है। ठीक है, कॉरल आइलैंड्स। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल कॉरल रीफ क्या है कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है कि ग्लोबल कॉरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कॉरल रीफ अलायंस, इंटरनेशनल कॉरल रीफ अलायंस, ये सब इनिशिएटिव है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉरल रीफ अलायंस करेंटली हैज मोर देन 60 मेंबर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, इसमें पार्ट्स है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कॉरल रीफ प्रोटेक्ट्स कोस्ट लाइन फ्रॉम स्ट्रॉम्स एंड इरोजन बट दे आर फेसिंग सीवियर नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द कॉरल रीफ। तो पहला स्टेटमेंट है कॉरल एंड जियोजेंथली हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन। हाँ बिल्कुल सही है, कॉरल एंड जियोजेंथली मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करता है। सेकंड है कि इन इंडिया दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस एंड अंडमान निकोबार। गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार में तो कॉरल रीफ मिलते हैं, सुंदरबन में कॉरल रीफ नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉरल रीफ इनिशिएटिव। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, पार्ट्स है। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि ए। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द आर्ट्स फॉर्म। ठीक है, तो एक आर्ट्स फॉर्म है जिसको बोलते हैं इटिको पक्का बोमलू एक तरह का आर्ट्स फॉर्म है जिसमें लकड़ी सॉफ्ट लकड़ी मतलब कि लकड़ी से ये खिलौना बनाया जाता है। देखो यहाँ पर ये फिगर में दिया हुआ है। तो इटिको पक्का स्मॉल विलेज लोकेटेड इन बैंक ऑफ द रिवर वरहा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, इटिको पक्का टॉयस आर मेड इन इटोपक्का रीजन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्विक टॉयस को इसको बोलते हैं। फिर एप्लीकेशन रहता है क्या कि टॉय आर मेड आउट ऑफ द वुड एंड कलर्ड विथ अ नेचुरल डाई के द्वारा कलर किया जाता है, और ये तुम्हारा आर्ट्स ऑफ द टॉय मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ टर्निंग वुड लैक्वर क्राफ्ट। इसको GI टैग भी मिल चुका है 2017 में, किसको, इटिको पक्का बोमलू, इटिको पक्का बोमलू बॉम्बे और सामने। तो ये इटिको पक्का बोमलू जो है तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में स्टेट में विशाखापट्टनम के पास, इसको GI टैग भी मिल चुका है। फिर उसके बाद कुरुम्बा पेंटिंग केरला में है, और सोंडोल डांस लद्दाख में, तो ये तो सही है, और कुरुम्बा पेंटिंग भी केरला में सही है। तो यानी कि 2 और 3 सही हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, यानी कि 1, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, कुरुम्बा पेंटिंग जो है तमिलनाडु में, यानी कि कुरुम्बा पेंटिंग तमिलनाडु का याद रखना। कुरुम्बा पेंटिंग आर्ट्स इज अ यूनिक ट्राइबल आर्ट्स फॉर्म्ड इन नीलगिरी तमिलनाडु में ही फॉर्म होता है। देखो पेंटिंग दिया हुआ है। तो कुरुम्बा आर द ट्राइब्स
ऑफ हंटर्स एंड नोन एज मेडिसिन के लिए नोन किया जाता है। पीवीटी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब है तमिलनाडु का कुरुम्बा ट्राइब से, और रिलेटेड टू द ट्राइबल रिचुअल डिस्क्राइब वेरियस फेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द हाइड्रो एनर्जी ये सब के बारे में है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो देखो इंडिया जो सेंट्रल सेक्टर 25% है, स्टेट सेक्टर 28% है और प्राइवेट सेक्टर 48% है एनर्जी के बारे में मामले में, ठीक है, जिसमें थर्मल का मतलब कि कोल से 54% है, मतलब कि आधा से ज़्यादा थर्मल से पावर प्लांट से आता है। फिर हाइड्रो से 12% आता है, न्यूक्लियर से 1.9% आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 23% आता है, ठीक है, एनर्जी इंडिया में। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर जनरेशन इन इंडिया। हाइड्रो एनर्जी इज द लीस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल पावर जनरेशन इन इंडिया। नहीं तो हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो 12% है, ठीक है, 12.4%, न्यूक्लियर सबसे लीस्ट है। फिर मोर देन हाफ ऑफ द पावर जनरेटेड विद इन द इंडिया कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। हाँ बिल्कुल सही है, मोर देन हाफ नहीं है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड विद इन द इंडिया कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ओनली, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पूछा करेक्ट यानी कि वन ओनली करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द ट्रेड्स, TREDS ट्रेड्स, ये एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, इसके लिए ट्रेड्स, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम माइक्रो MSME के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। एम क्या है, टू इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ ऑपरेशनल फंड टू कैश स्ट्राइव्ड MSME टू रेज अ फंड बाय सेलिंग देयर ट्रेड्स रिवर्सिबल टू कॉरपोरेट। थ्री पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन, तो MSME, बायर, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, PSU एंड अदर एंटिटीज। फाइनेंसर कौन है, बैंक, NBFC, ठीक है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट परमिटेड बाय द RBI। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS ट्राइज क्या है कि एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, एन इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक का इनिशिएटिव है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द MSME, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम एक तरह का इनिशिएटिव है RBI का, जो कि सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइज MSME। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द आसियान से रिलेटेड है। तो आसियान में तो कंट्री पता ही है, 10 कंट्रीज है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लॉस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ठीक है, ये सारा 10 कंट्रीज है। तो ये एक तरह का ये एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ ये एस्टेब्लिश किया गया था। फिर ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन द साउथ ईस्टर्न एशिया जो कि साइन हुआ था कब, 1976 में। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस सॉवरेंटी एंड इक्वालिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नेशंस, ये सबको, री यूनियन ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, ये सारा है। इंडिया साइन द ट्रीटी इन 2008 वे, मतलब कि ट्रीटी जो है वो 2003 में साइन किया गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि
consider the following statement about the ASEAN way. It is shared norms, principles and values governing the interactions of the ASEAN member state. India is a signatory to the Treaty of Amity and Cooperation of South Asia of 1976. The Amity ka hai signatory dekh lete hain. To mutual respect for the independence, sovereignty and equity, territorial integrity and national identity of all the nations, the right of every state to lead the national existence free from external interference and non-interference in the international affairs of one another, settlement and difference of the dispute in peaceful manner, reunion of the treaty as a use of force, effective cooperation. ASEAN way mein share norms of principles and value govern the interaction of ASEAN member, a diplomatic engagement to solve the difference among the state based on Treaty of Amity of 1976. India signed this treaty in 2003. And Treaty of Amity and Cooperation of South East Asia ko matlab India sign hai kiya hai, yani ki dono statement sahi hai, to both 1 and 2 are correct. फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ठीक है जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ ह्यूमैनिटरी असिस्टेंस ऑपरेशन. ठीक है, कौन कौन सा ह्यूमैनिटरी, जैसे समुद्र मैत्री जो कि सुनामी आया था इंडोनेशिया में, कौन सा आइलैंड पर, तो सुलवेसी आइलैंड पर जो आया था उसके लिए समुद्र मैत्री लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मदद जो था और सहयोग, मदद जो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था फ्लड, जो केरला में फ्लड आया था उसके लिए हेल्प के लिए, और सहयोग इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था फ्लड जो आया था केरला के लिए. वेनिला जो है इंडियन नेवी के द्वारा साइक्लोन हिट मेडागास्कर के दस लॉन्च किया गया है. निस्तार इतर का मतलब कि निष्कासित, मतलब हटाना, या इंडियन नेवी के द्वारा किया है टू एविकेट द इंडियंस फ्रॉम द साइक्लोन हिट सोकोट्रा आइलैंड. सोकोट्रा आइलैंड कहाँ है, यमन का है आइलैंड सोकोट्रा आइलैंड. यहाँ पर नेवी भी है, इंडियन नेवी का फोर्स भी है. तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ ह्यूमैनिटरी असिस्टेंस ऑपरेशन टू द सुलवेसी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया विच अमंग द फॉलोइंग इज नेम एज अ ऑपरेशन. तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये ऑपरेशन का नाम है. ठीक है, अब देख लो सुलवेसी आइलैंड यहाँ पर राइट साइड में. ठीक है, फिर उसके बाद सोकोट्रा यमन में है, सोकोट्रा आइलैंड यहाँ पर है. ठीक है, और वेनिला यहाँ पर है, वेनिला ये सारा आइलैंड को बोलते हैं वेनिला आइलैंड. ठीक है, मेडागास्कर में लॉन्च किया है. ये सारा आंसर है. ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये सारा आंसर है. ठीक है, ये सारा आंसर है. ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.